नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। यातायात नियमों का पालन करें, जागरूक बने, जागरूक करें। नुक्कड़ टीम ने कार्यक्रम आयोजित कर यातायात नियमों की दी जानकारी। थाना कोतवाली अलीगंज परिसर में माह नवंबर यातायात माह के चलते नुक्कड़ टीम ने कार्यक्रम आयोजित कर यातायात नियमों की जानकारी दी और दुर्घटना होने पर किसी तरह से पुलिस एवं एम्बुलेंस को सूचना देनी चाहिए एवं घायल को शीघ्र ही अस्पताल ले जाने के तरीके एवं शराब पीकर वाहन चलाने पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही एवं शराब के नशे में वाहन चलाने पर होने वाली दुर्घटना के बारे में एक नुक्कड़ कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया गया। क्षेत्राधिकारी अलीगंज अजय कुमार ने भी नुक्कड़ कार्यक्रम टीम की सराहना करते हुए आम जनमानस से अपील की गई कि सभी व्यक्ति अथवा पुलिस कर्मचारी बिना हेलमेट धारण किए हुए वाहन न चलाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध MV एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, ओवर स्पीड से बचें, हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करें, नंबर प्लेट पर सही अंकन, बाइक पर तीन सवारी नहीं, वाहन के समस्त कागजात पूर्ण हों व साथ रखें, वाहन हमेशा अपनी साइड पर ही चलाएं तथा हेलमेट धारण कर ही मोटरसाइकिल पर चलें ताकि दुर्घटना तथा अन्य कार्यवाही से बच सकें। कार्यक्रम के अवसर पर उप जिलाधिकारी अलीगंज राजीव पांडे, क्षेत्राधिकारी अलीगंज अजय कुमार, प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार मिश्रा एवं थाना पर नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारीगण व अन्य संभ्रांत एवं व्यक्ति उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 से विकास दुबे, ब्यूरो एटा की रिपोर्ट। सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है, सारे पुलिस प्रशासन सभी का सहयोग इस कार्यक्रम में रहा, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी और अपने कलाकारों का, खासतौर से जो बहुत मेहनत करते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और हरदोई से हमारे बीच में हमारे भाई मौजूद हैं, इन्होंने काफी मेहनत करी है, मैं उनका आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कि पूरे माह नवंबर में ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जैसा कि अभी हमारे कलाकारों ने बहुत अच्छा दिखाया कि अगर हेलमेट नहीं है तो आपकी सुरक्षा नहीं है। तो एक तो इन्होंने ये समझाया कि हेलमेट का प्रयोग हमेशा हमें करना है जब भी हम मोटरसाइकिल या टू बाइक चलाते हैं। अनेकों घटनाएं ऐसी होती है जिसमें जरा सी गलती से प्राण चले जाते हैं, तो ये नाटक के माध्यम से समझ में आया। उम्मीद है कि जनता इससे लाभान्वित होगी। दूसरा, इन्होंने बहुत अच्छा समझाया कि शराब नहीं पीनी है। अनेकों व्यवस्थाएं हमारे पास भी हैं, ब्रीथेनाइजर्स हैं जिसके माध्यम से हम चेक करते हैं कि लोग शराब न पिए, लेकिन ये कुप्रथा भी है, खराब व्यसन भी है। तो यातायात जब हम गाड़ी या मोटरसाइकिल या कार चला रहे हैं तो हमें प्रयोग नहीं करना है, साथ में सामान्य जीवन में भी शराब का प्रयोग नहीं करना है। जो कलाकार आए उनको बहुत बहुत साधुवाद और अच्छा प्रोग्राम दिया, धन्यवाद।